और आपको सीधे ले चलते हैं तेजस्वी यादव के एक और सभा में। मधुपुर में वो लगातार जनसंपर्क करने के लिए पहुंच रहे हैं और आरजेडी की ओर से आज दो बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें एक सभा वो कर चुके हैं बुढ़ई में और अब एक दूसरी सभा में वो पहुंचे हैं। देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में तेजस्वी यादव को, जिसमें वो गठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में सभा करने के लिए पहुंचे हुए हैं और मधुपुर के पथरोल में अब ये सभा उनकी हो रही है। बुढ़ई में एक सभा हमने देखा उनका और अब पथरोल पहुंचे हैं, जहां पर वो हफीजुल हसन के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। तेजस्वी यादव की सभा आप इस वक्त देख पा रहे हैं, तो मुकाबला बहुत ही रोमांचक होता चला जा रहा है क्योंकि ताकत पूरी तरह से झोंकी जा रही है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो अपने प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के लिए या फिर यूपी की तरफ से हो अपने प्रत्याशी हफीजुल हसन के लिए, और दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। महागठबंधन की ओर से खुद मुख्यमंत्री यहां पर कैंप करते हुए तमाम तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं और जनसभाएं भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो अलग अलग गठबंधन दल हैं महागठबंधन के, चाहे वो कांग्रेस हो जाए, आरजेडी हो जाए या फिर जेएमएम हो जाए, तीनों ही अपने अपने स्तर पर भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कोशिश यही कि छोटे छोटे पॉकेट में पैचेस में ये सभाएं हो, ताकि हर एक व्यक्ति जो वहां उपस्थित जनसभा में उससे संवाद स्थापित हो सके नेताओं का, कोशिश यही है। और बाकायदा एक समन्वय समिति बनाकर रखी गई है गठबंधन की ओर से, जिसके तहत तीनों जो पार्टी हैं उनके नेताओं को लेकर एक कार्यक्रम एक रूपरेखा तैयार की गई, उसी के मुताबिक ही जनसभाएं होती हैं। कौन कहां जाएगा, कोशिश ये रहती है कि जब भी कोई सभा हो तो उसमें तीनों ही पार्टी के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहें, यानी कि आरजेडी से भी, जेएमएम से भी और साथ में कांग्रेस से भी। इसी तरह से हमारे रणनीति बनाई गई और इसी कड़ी में लालू जी को जेल में बंद करके रखा है, ये सोच रहा है कि हम लोग ठीक है। मैं आशा से यह आग्रह करता हूं कि तेजस्वी यादव जी बहुत भाग्यशाली हैं, ये जानता आ गए थे और इरफान अंसारी को वहां से जिता के लाए हैं और जहां जाते हैं वहां लोग जीत जाता है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो मधुपुर आए हैं। मधुपुर में हमारा छोटा भाई हफीजुल हसन।